ताड़ी के बालों से पानी गिरता हुआ देखा, अल्लाह ने बारिश बरसा दी, तो जिंदा वरी से दुआ करवाना। जिंदा किससे जी? वली से। वली कौन होता है? वली के लिए शर्त है वो मवाहिद हो। मुशरिक वली, मुशरिक वली कब्रों दरबारों पे बैठे हुए खानकाही निजाम चलाने वाले, दाता कंप्लेक्स बनाने वाले, उस अड्डों को जारी रखने वाले, रब पे मोहम्मद की कसम अल्लाह के वली नहीं शैतान के वली है। वली की पहली शर्त, वली मुवाहिद होता है, मुशरिक वली नहीं हो सकता। गैरुल्लाह को सजदे करने वाला वली, अपने पैरों में लोगों को सजदा करवाने वाला वली, तौहीद को मानने वाला वली होता है, पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाला वली होता है। बेनमाजी वली, बेनमाजी वली नहीं हो सकता, बिदअती वली नहीं हो सकता। नेक जिंदा वली के पास जाके दुआ करवाइए, जायज वास्ता है। अपने नेक अमाल का अल्लाह के दर पे वसीला पेश कीजिए, जायज वास्ता है। हदीस में आता है, तीन आदमी गार में बंद हो गए थे, तीन आदमी गार में बंद हुए थे, अल्लाह से सवाल किया था, तीनों ने अपनी अपनी नेकियां पेश की थी या नहीं? अल्लाह, एक मजदूर का माजरा, एक ने जिना वाला माजरा, एक ने माँ बाप के साथ नेकी वाला माजरा, सुनी भी है हदीस या नहीं? सुनी हुई है। तीनों ने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया, अल्लाह ने पत्थर को हटा दिया। तो अल्लाह के नामों का वास्ता जायज है, अपने नेक अमाल का वास्ता जायज है, और नेक बंदे से दुआ करवाना जायज है। नाजायज वास्ता क्या? भरो ये पंचन पाक दी वास्ता है बाबा फरीद का, इसकी तालीम कुरान और हदीस ने नहीं दी। दलील वो भी सुन लीजिए, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, सैयदना उमर रजी अल्लाह वर्दा के दौर में कहत साली हुई, आप सैयदना अब्बास को लेकर आए, सैयदना अब्बास को लेकर आए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जब तक हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे वो हमारे लिए दुआएं करते थे, आप उनकी दुआएं सुन के बारिश बरसा देते थे, अब नबी तो फौत हो गए, हम आपके चचा को लाए हैं। नबी के चचा इलम में, अमल में, बुजुर्गी में, तकवा तहारत में बड़े हैं, अल्लाह ये दुआ करेंगे, इनकी दुआ सुन के हमें पिला देना। ये कौन कर रहे हैं? सैयदना उमर। हदीस कहाँ है? सही बुखारी में। अगर बुजुर्गों की शख्सियात का वास्ता देना जायज होता तो सैयदना उमर को ये कहने की जरूरत, वो डायरेक्ट ही कहते हैं अल्लाह वास्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बरसा दे। तो प्यारे भाई, रमजान के मसाइल तो आप उलमा से सुनते रहते हैं, सुनते रहेंगे पूरा रमजान। अल्लाह का वास्ता देकर एक अर्ज करता हूं, रमजान से पहले अकीदा ठीक कर लो। अकीदा ठीक ना हुआ, आप 40 साल 40 रमजान गुजारे, हर रमजान रोजा रखें, हर रमजान उमरे करें, हर रमजान के अंदर तरावीह पढ़े, अकीदे में शिर्क हुआ मत ही जहन्नम के अंदर दाखला होगा, जन्नत नहीं मिलेगी। खुश नसीब है वो जिसने रमजान के आने से पहले लाइन सीधी कर ली। ये रमजान ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में बैठ के सफर के लिए कहीं जाना चाहें, गाड़ी नई है, पेट्रोल से टैंकी फुल है, पांचवा गियर है, 120 पे दौड़ रही है, सारा कुछ है, जाना आपने रियाज है, रोड आपने यंबो वाला पकड़ा हुआ है, जितना भगाओगे उतना रियाज से दूर जाओगे। अगर अकीदे में शिर्क हुआ, अगर अकीदा ये हुआ अल्लाह सुनता नहीं है, पीरो बाबे मोड़ते नहीं है, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, इनको राजी करेंगे तो ये अल्लाह से लेकर देंगे। अगर ये अकीदा हुआ, जितने ज्यादा रोजे रख लो, जितने चाहे उम्रे कर लो, जितनी चाहे मेहनतें कर लो, शिर्क अकीदे में हो जन्नत का तसव्वुर नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें ईमान का फहम अता फरमाए, तौहीद का फहम अता फरमाए, जिंदा रखे तो इस्लाम पे रखे, मौत दे तो इस हाल में दे। अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अल्लाह
हम जितने यहाँ बैठे हैं सब तुझसे दुआ करते हैं, रमजान का मुबारक महीना हमें अता फरमा, रमजान के मुबारक महीने में हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा, उसमें रहमत फरमा, अपने फजल से अपने करम से रमजान की रातों में तू इंसानों की गर्दनों को जहन्नम के कड़ों से आजाद करता है। अल्लाह अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा, हमारे चेहरों को जहन्नम की आग से बचा, हमारे माँ बाप के चेहरों को, हमारे बहन भाइयों के चेहरों को, हमारी आल औलाद बीवी बच्चों के चेहरों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा दे। अल्लाह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत तेरे प्यारे चेहरे का दीदार होगा। अल्लाह हम सबको जन्नत में अपने प्यारे चेहरे का दीदार नसीब फरमा दे। अकूलु कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहू इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।